देश भर में होली पर्व की धूम है। वहीं हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कैंप कार्यालय में होली मिलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नैनीताल के एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा समेत हल्द्वानी शहर के तमाम अधिकारी पहुंचे। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत पूरी तरह से होली के रंग में नजर आए, साथ ही सभी को रंग गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने लोगों को होली को ऑर्गेनिक तरीके से मनाने का होम फॉर्मूला बताया। सबसे पहले तो होली की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। रंगों का त्यौहार है, खुशी का त्यौहार है, इसको इसी तरीके से मनाएं, ऑर्गेनिक मनाएं। पूर्व में देखा गया है कि होली के दौरान रोड एक्सीडेंट्स थोड़ा बढ़ते हैं, डेथ्स भी होती हैं। तो पहली बात तो ये कि कोई भी ड्रंकन ड्राइविंग ना करें, पुलिस ड्यूटीज़ में लगी हुई है। इसके अलावा यथासंभव व्हीकल्स का प्रयोग ना करें। मेरा मानना है आप गली में खेलते हैं, पड़ोस में खेलते हैं, पैदल ही इसमें जाएँ और कोई डेंजरस केमिकल से भी इसको ना खेलें। और होली के पर्व के साथ साथ एक बहुत बड़ा पर्व आने वाला है अभी, मतदान का पर्व। उसमें भी मीडिया के माध्यम से सबको अपील है कि बड़ी संख्या में आएँ, सब अपने मत का प्रयोग करें और वोटिंग परसेंटेज को, वोटर टर्नआउट को बढ़ाएं।